सब अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पी टी एन ब्लॉग में। तो मैं शुरू करती हूँ अपना ब्लॉग। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी वीडियो क्यों इतने दिनों बाद आ रही है, काफ़ी दिनों बाद आ रही है। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद अपना ब्लॉग डाल रही हो। तो आपको पता है शुरू में ऐसा ही होता है कि कुछ वीडियो जाती हैं और कुछ वीडियो पर ब्लॉग पर व्यू कम आते हैं तो मन उदास हो जाता है, और अच्छे अच्छे व्यू आते रहते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते रहते हैं तो मन करता है और अपना ब्लॉग बनाए कि भाई मेरे से ऑडियंस जुड़ रही है। मैं मतलब एक यूट्यूब पर मेरी छोटी फैमिली, मतलब मेरा एक परिवार था और बाकी और परिवार जुड़ रहे हैं मेरे से, तो इसलिए मतलब व्यू नहीं आ रहे थे। और कुछ भी समझ लो, कुछ गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं उनकी वजह से बच्चे वगैरह बीमार वगैरह होते रहते हैं, खुद की भी तबीयत ख़राब है, तो इस कारण से मैं नई ब्लॉग बना पा रही थी। तो गाइस अब आपको मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे कोई ब्लॉग में, अब रेगुलर मेरे ब्लॉग आएंगे डेली। और अब से अगर कोई गलती हो जाए मेरे ब्लॉग में या मेरे से आगे पीछे कुछ, पता है आपको फैमिली में तो मतलब एक परिवार में ऐसा तो होता रहता है, कभी आते हैं ब्लॉग किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब से कोशिश करूँगी कि मैं अपना डेली ब्लॉग डालूँ। तो हम सभी मतलब मेरे मायके वाले और हम सब दिल्ली से सब लोग, हम उज्जैन गए थे महाकालेश्वर, तो उसकी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इतनी जल्दी मतलब कि प्रोग्राम बना कि मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी। पर हाँ मतलब कि मैंने वहाँ की वीडियो शूट करी हैं, वहाँ का मैंने वहाँ जाके नहीं वीडियो काफ़ी बनाई है ट्रेन कि हम किस तरीके से गए थे, कौन सी ट्रेन पकड़ी हमें दिल्ली से, वहाँ कैसे पहुँचे, सब कुछ मैंने शूट किया है। और उसकी भी मैं वीडियो आपको डालूँगी, उसके भी ब्लॉग बना के डालूँगी। पर घर से निकलते समय की मैंने आपको पहले नहीं बता पाई, उसके लिए माफ़ी। मेरे धीरे धीरे अब ब्लॉग आते रहेंगे और आप सब मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं ये मत सोचिए कि मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया, मैं बनाते रहूँगी ब्लॉग। और आप सब अनसब्सक्राइब मत किया करो, जो सब्सक्राइब किया है तो बने रहिए। धीरे धीरे आप सब धीरे धीरे सपोर्ट करोगे तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ पाऊँगी और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना पाऊँगी। और आप लोग मतलब व्यू कम हो जाते हैं, सब्सक्राइब कम हो जाते हैं तो मन उदास हो जाता है, लगता है यार कुछ नहीं होगा, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो बस यही आपसे कहना था, अब मेरे डेली कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग आए आपके पास, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी मैं। और तो चलती हूँ मैं, आज का रूटीन बताती हूँ मैं कैसे क्या करती हूँ। तो साफ़ सफाई तो हो गई है मेरी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, अब मैं जो बाकी कुछ बचा हुआ है काम वो करती हूँ, उसको करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो इसलिए मैंने मंगाया, नींबू है, हरी मिर्ची, आलू और टमाटर हैं, और ये घिया और प्याज, ये चीज़ मैंने मंगाई थी। फिर तो गैस ये बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी, और फिर इसके बाद मैं ये गरम गरम रोटियाँ सेक रही हूँ। आप भी आ जाइए, गरम गरम रोटी खा लीजिए। और ये थाली लगा दी है मैंने बच्चों के लिए, और ये मैं खा रही हूँ, मेरा छोटा बेटा खा रहा। हेलो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अब हो गई है रात और हमारा सब लोगों का हो गया डिनर। अब मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, और जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। तो गाइस आपको मेरे ब्लॉग में ये बैकग्राउंड आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मैं आगे के ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि ये आवाज़ें ना सुनाई